एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स कशिश ब्लॉग एंड होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का ब्लॉग जनता के कमेंट्स के ऊपर है। लोग चाहते थे कि पुनीत और मैं गोलगप्पा चैलेंज करें कि हम दोनों से कौन ज़्यादा खा सकता है। तो हमने सोचा नहीं था कुछ ऐसा ब्लॉग बनाने का, बट आज मुझे वैक्सीन लगी है फर्स्ट डोज, तो हम लोग आए थे तो पुनीत ने कहा कि बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे ये वाला ब्लॉग करने का। तो हम मुखर्जी नगर आए थे ये शॉप पे, ये जो हम यहीं पे हमने आपको दिखाया था पहले भी हम खाते हैं, अब ये नई खुली है, हमें बहुत अच्छा लगा, तो हम यही आ गए अभी भी। और उसके बाद पुनीत ने कहा, सामने ही एक भैया खड़े होते हैं उनके गोलगप्पे हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो पुनीत ने कहा सब लोग बोल रहे हैं चलो चैलेंज कर लेते हैं अभी। तो मैंने कहा मेरे को गोलगप्पे खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तू अब नहीं देख। तो अब हम वो वाला चैलेंज करने वाले, तो अभी हम ये मैगी खा रहे हैं, बर्गर खाएंगे, इसके बाद हम वहाँ जाके अपना गोलगप्पा चैलेंज भी करेंगे। और गोलगप्पा चैलेंज पे सुन, जो हारेगा उसको क्या होएगा, जैसे हम गोलगप्पे खाएंगे, जिसने पहले बोल दिया ना कि बस और नहीं खाया जा रहा वो हारेगा। ये बहुत सस्ता है, सिर को दर्द पड़ेगी। तो गाइस चलो, ये फाइनल हुआ है, जिसने पहले बोलगा कि गोलगप्पे बस मैं और नहीं खा सकता, तो हार जीतने वाले बंदे को वो सिल्क देगा, वो भी 260 वाली, 260 वाली प्लेन सिल्क। मैं प्लेन खाती हूँ, मैंने जीतना है तो प्लेन ही लाई है, ठीक है। तो गाइस अभी हम यहाँ पे खाते हैं, और मेरे आज इस वाले हाथ में वैक्सीन लगी है फर्स्ट डोज, पर मेरे कोई पेन नहीं हो रहा, हम खा रहे हैं। और अगर गाइस आपने भी वैक्सीन अभी तक अगर नहीं लगवाई है तो सेफ्टी सबसे पहले है, और मे भी जनवरी या फरवरी से लॉकडाउन फिर से लगने वाला है, सुनने में आ रहा है। तो आप लोग भी अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है और 18 प्लस हो, तो अपने आसपास जहाँ पे भी लग रही है जल्दी जाओ वैक्सीन लगवा लो, एंड सेफ रहो, अच्छे से रहो, खुश रहो। तो हम आ गए गोलगप्पे खाने, और ये वो, नहीं हट जा, ये वो शॉप है और ये वो भैया है, हमें इनके गोलगप्पे बहुत पसंद है, तो हम हमेशा यही खाने आते हैं। तो अब हम चैलेंज भी यहीं पे करने वाले हैं, भैया हमें खिलाएंगे, बाकी आप लोग देखते हैं। जब हम यहाँ पे चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, हम दोनों ने पकड़ लिया है मम्मी भाई, पुनीत तो पहले ही सेट कर लिया भैया को, भैया मुझे थोड़े छोटे छोटे देना, छोटे खा बड़े खा, चॉकलेट फिर भी मुझे ही खिला दी, ऊपर करके खास पीनी चाहिए। गाइस हमने ना काउंट नहीं करे, हम लोग खा रहे हैं कंटिन्यू, हम रोकेंगे नहीं भैया को, हम ये देख रहे हैं फिर कि जो पहले नो बोल देगा ना कि बस और नहीं खाई जा रही वो हार जाए। मुझे ये वाली बस ही और जिम के अकॉर्डिंग उसकी डाइट चलती है, इसे ये सब नहीं खाना चाहिए, फिर भी लगा पड़ा है खाने में। गाइस आप लोग खाओगे, मंडल
बस कर दो भैया। एक्चुअली गाइस मेरे मुंह में ना छाला हो रहा है, झूठ बोल रही है। इसकी वजह से ना मुझसे बहुत तीखे खाए नहीं जा रहे। झूठ बोल रही है। कौन जीता? आप जीते। गाइस सो इसने ज्यादा गोलगप्पे मुझसे अब बोला भी नहीं जा रहा, मेरे मुंह में इतना तीखा तीखा लगा है। मतलब इसने ज्यादा गोलगप्पे खाए, मैंने कम खाए। मैं इसे चॉकलेट दिला दूंगी अभी। खुशी देखो इसकी। गाइस मेरे मुंह में ना छाला हो रहा है, इस वजह से बोल रही है। अब जब मैं इसे चॉकलेट दूंगी देख लेना आप सबके सामने। बदतमीज़ है, सामने ही हमने गोलगप्पे खाए, सामने इजी डे में आ भी गया ये तो। हमें चॉकलेट ने किसी के पास पैसे ना हो भले ही, पर इसको इसका सब चाहिए। कहाँ है चॉकलेट? चॉकलेट ये आ जाओ, कहाँ पे? कहाँ है? बट मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे 240 वाली सिल्क होगी। हाँ इधर बड़ी सिल्क। चल तो छोड़, का है गाइस बोल रही हूँ, ये यही लेने वाला है, ले ले चल। जैसे कि आप लोगों ने देखा मैं जीत गया था, अब ये चॉकलेट की बिलिंग करवा रही है। गुन्नू जल्दी दो पैसे। कैसा लग रहा है हार के? सो गाइस अब हम घर पर आ चुके हैं, और बाकी आपने स्टार्टिंग में चैलेंज में देख ही लिया होगा कि ये लोग यार बोलना जरूरी होता है क्या हर जगह? कोई नहीं ना, यही कंटिन्यू कर ले। हम लोग घर आ गए हैं। अब चैलेंज आपने देखा था कि ये जीत चुका था, मैंने इसे चॉकलेट भी दिला दी थी। हम घर आ गए, घर पे जीजू भी यहीं पे हैं और ये भी यहीं पे। बहुत ठंड है तो हम सब यहाँ ही बैठ के गरम कर रहे हैं कंबल। गरम आदमी रहे यार तेरे में बहुत साफ आते हैं, पता ना क्यों व्लॉग है ना, मेरे में भी साफ आ रहा है गाइस। और ये वाला व्लॉग तो मैंने आज मंगाया, मेरा कौन सा आज मैं पोस्ट कर दूंगी, और जो नेक्स्ट वाला व्लॉग आने वाला वो एक नंबर आएगा बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। फोन कट कर दिया उसने। आप लोग गेस कर सकते हो कि नेक्स्ट व्लॉग में क्या होगा? जीजू ने तो कर लिया होगा। और जल्दी मेरा भी यूट्यूब चैनल आएगा, और मैं देसी भाषा में बात करूंगा, और मुझे प्यार दो बस। प्यार दो बस ही नहीं, क्या था वो भैया वो बोला प्यार दे। और आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है हरा के मुझे? बहुत अच्छा। क्या चैलेंज करके वो तो मैं वो तो मैं ना मेरे मुंह में छाला था ना, तो इसलिए मैं ज्यादा खा नहीं पाई, इसने ज्यादा खाए। मम्मी ये रेडी पे बोल। गाइस अब हम घर आ गए थे, उसके बाद अब व्लॉग कंप्लीट करना था, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। और गाइस आइडिया से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज ही पम्मी जीजू का न्यू यूट्यूब चैनल बना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और इंस्टा पे स्टोरी सब रहेगी, और व्लॉग भी हम कोशिश करेंगे उनका आज में आ जाए, तो आप लोग उनके व्लॉग पे भी बहुत जीजू के ब्लॉग पे भी बहुत सारा प्यार और सब्सक्राइबर्स, क्योंकि जब प्रेरणा का बेबी का टाइम आ जाएगा तो प्रेरणा का बेबी जो भी होगा वो सब आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, यहाँ देखने तो मतलब गाइस जीजू के ब्लॉग चैनल को भी बहुत सारा प्यार होना। गुन्नू ने इतनी अच्छी बातें कही है मेरे चैनल के लिए, तो गुन्नू ले आईफोन 12 तू देती हो, ले मौज ले जा। मैं भी कह रही हूं दो तीन बातें। मम्मी मुझे रुको, मम्मी मुझे ये खाने को दिया करो ना ऐसा नाश्ता। फिर मम्मी तो डायरेक्ट ही करेगी। देखो मुझे ऐसा नाश्ता चाहिए होता है ना। ठीक है बन रहा हूं। सो
गाइस उस ब्लॉग कंप्लीट करना था तो मैंने ये सोचा है कि मम्मी भी यहीं पे बैठी थी और आज हम पांचों भी यहीं पे थे, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, हमें हमारा गंदी नहीं मिल रही, ये बोलो ना असलियत, इसीलिए हम घर पे थे। सो हमने ये सोच, मैं देखो रसमलाई, तो हमने ये सोचा है कि मेरे साथ कुछ आइडिया आया कि हम मम्मी यही बैठे थे, मम्मी से कुछ जानते हैं अपने बारे में, जो मम्मी हमें नहीं बताती, हमें तो फिर भी नहीं बताएंगे, आप लोगों को बताई देंगे जैसे हमारी बेइज्जती वेस्ती करके। तो अब मम्मी से हम ये पूछने वाले हैं कि हम पांच या बैठे हैं, पुन्नू, मैं, जीजू, निशी और अंशु, मम्मी हम लोगों के बारे में क्या सोचते, कौन सबसे ज्यादा अच्छा है, किसमें क्या खराबी है, ये वह मम्मी हमें बताएगी यहाँ पे। तो सबसे पहले पुन्नू बैठा है, तो पुन्नू, फिर मैं, फिर जीजू, फिर निशी, फिर अंशु। तो सबसे पहले रश्मि शर्मा जी, आप पहले तो फोन पे हाथ रख के कहिए सच के सिवा, मम्मी इसका फोन रखवा दो यार, मेरे को गुस्सा आएगा ऐसे, तेरी तारीफ होने वाली है, तू फोन रख। गाइस मोमोज चटनी के साथ, मम्मी इसका फोन रखवाओ प्लीज, इस पे हाथ रख के कहो सच के सिवा, मटके वाला पनीर और वो रोटी। हाँ गाइस मम्मी ने कर दिया, अब मम्मी पुनीत के बारे में ज्यादा नहीं, बस एक मिनट कुछ इसके बारे में जो भी आप बताना चाहो, आपके आपके नजरिए में इसका क्या वो है, अच्छाई क्या वो है? नहीं मतलब दोनों चीजें बतानी है जैसा आपको एक एक लाइन में डिस्क्राइब करनी है, अच्छाई और एक लाइन में। अगर आपसे कोई पूछे कि एक लाइन में पुनीत को बताओ कि कैसा लड़का है, तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहोगी, कैसा लड़का, अच्छा लड़का है और क्या। हाँ देख के सही से बताओ, मम्मी का कहने का मतलब अच्छा 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 अच्छा, मैं लोग नहीं समझता, पिछले लोग भी अपने अच्छा होता, मतलब कि आपको कोई ऐसी चीज जो आपकी इसको आपको इसकी अच्छी लगती है, डार्क चॉकलेट कपकेक यार मैं क्या करूँ। हाँ पुनीत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात इसकी ये लगती है कि ये भी मेरी तरह प्रेरणा की बहुत केयर करता है, ठीक है। और अगर इसकी बुराई पूछोगे तो सबसे बुरी बात इसकी ये है कि इंग्लैंड में भी होगा तो बोलेगा पीछे हो आ रहा हूँ, सबसे बुरी आदत यही है, ये नहीं बोलेगा घर पे बैठा तब भी कहेगा पीछे हूँ यही हूँ आ रहा हूँ। जब ये स्कूल पढ़ता था ना पीछे वाले डेस्क पे बैठता था, तो ये पीछे की आदत पड़ गई है, दे अब नहीं करूंगी गुरु मेरा फोन ले। सो गाइस ये था मम्मी ने जो भी पुन्नू के बारे में बताया, अब तेरी बारी, मेरी बारी, मेरे में तो अच्छी हूँ, मेरे घर में क्या करूँगी, बहुत पीछे चले मम्मी, अब मेरे बारे में कुछ दे मैं नहीं चलाऊंगी, कशिश के बारे में नहीं चलाऊंगी, मेरे अच्छी बात ये है यार ये कर रहे हैं, कशिश के बारे में अच्छी बात ये है कि उसका बहुत सॉफ्ट नेचर है और वो मुझे बहुत ज्यादा समझती भी है, बहुत ठीक है, और सबकी केयर भी करती है अच्छा। और उसकी बुरी आदत ये है कि उसको थोड़ी सी बात भी कह दो तो वो ऐसे करती है, नाक इतनी बड़ी कर दिया और रोना चालू कर दिया, ऐसे करती है बहुत जल्दी बुरा मान जाती है बात का, और इसके नाक नाक में जो अंदर परमाणु बम क्या है यार, मम्मी देखो इतनी मोटी नाक थोड़ी मम्मी है तो बोलते हैं, चलो ठीक है परमाणु बम भी दिख जाते हैं, बंकर है इसकी नाक में, तो आने वाले समय में बंकर बना सकते हैं, चलो कोई बात ना, अच्छा भी तो चलो गाइस अब जीजू की टर्न, जीजू तो जीजू ही है, जय बाबा। तो पम्मी के बारे में मैं क्या बोलूं, बहुत ज्यादा समय नहीं बोल पा रही नहीं मैं निशब्द हूं, नहीं नहीं निशब्द नहीं हूं, जितना जानती हूं मतलब कि ज्यादा समय नहीं हुआ है, मतलब ज्यादा हमारे संग अभी एक्सपेंड नहीं किया टाइम, तो मैं इतना ज्यादा जज नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अच्छाई तो ये बोलूंगी कि मुझे थोड़ा थोड़ा अब लगने लगा है कि प्रेरणा की केयर करता है, ठीक है, तो मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है, अच्छाई और कुछ नहीं चाहिए मुझे, अगर ये प्रेरणा की केयर करता है तो सबसे अच्छा ही यही है, ठीक है। और बुराई ये है कि इसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और ये वायलेंट हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है, बात को समझता नहीं है, सीरियस नहीं लेता बात को, कि मतलब कोई बात चाहे वो मैं समझाऊं चाहे कोई कोई भी समझाए, मतलब कि, और ये आदत सबसे बुरी है क्योंकि इंसान को कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से समझना चाहिए। मम्मी इसकी तो बुराई ज्यादा लंबी हो गई मम्मी जो सच है मैंने पर एक सच ये भी है, काफी कम टाइम में जीजू का हमारे साथ काफी रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, जो हमें नहीं लगता था स्टार्टिंग में। चलो गाइस तो अब के बारी है आपने फोन पे हाथ रख दिया था, चलो झूठ को थोड़े कब्जे में रखना, मैंने सबके बारे में सच ही बोला है भाई 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 भूल मत करो। चलो गाइस मम्मी से पूछाएगा अब मिसेस प्रेरणा के बारे में, बताइए जी
क्या विचार है, क्या टिप्पणी है, क्या विचार है आपके इन बैल बुद्धि को लेकर? क्या पूछा गया है इसके बारे में तो आगे मेरी तो सिट्टी मिट्टी गुल हो जाती। क्या पूछना चाहते हो? मतलब कि ऐसी कौन सी बात इनकी जो आपको प्रभावित करती है? वैसे कोई नहीं होगी, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा झूठ ब्लॉग में चलेगा इसकी बारी पे। मतलब कुछ इसकी अच्छी आदत है? झूठ मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, प्रभावित करने जैसा इसके अंदर कुछ चॉकलेट डार्क चॉकलेट प्रभावित करने जैसा प्रेरणा के अंदर कुछ भी नहीं है मेरी नजर में। वो किसी को प्रभावित नहीं करती, ठीक है, बट उसका लग इतना अच्छा है कि फिर भी लोग उसके साथ बहुत ज्यादा क्रेजी रहते हैं और बहुत ज्यादा उसकी केयर भी करते हैं। हालांकि वो किसी के बारे में कभी नहीं सोचती, उसका नेचर ही ऐसा है कि वो बोल्ड उसका कि मतलब वो किसी के बारे में ना सोचेगी ना कुछ करेगी। हाँ, एक अच्छाई ये है उसके अंदर कि जो है वो मुंह पे बोल देती है बस, ठीक, ये अच्छाई है। और अगर कुछ बुराई पूछोगे प्रेरणा के बारे में आप, तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से रात हो जाएगी, रात से फिर अगली सुबह हो जाएगी, बुराइयां खत्म नहीं होगी। सबसे बुरी आदत तो ये कि बोलने से पहले कुछ भी सोचती नहीं है, क्या बोल रही हूँ, कहाँ बोल रही हूँ। दूसरी बात ये, नहाने का, उठने का, खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं है। आज नहीं, शुरू से ही ये आदत है इसकी। वैसे गाइस एक बात, सॉरी मैं मम्मी को बीच में से काट के बोल रही हूँ, बट प्रेगनेंसी में लेडीज का एक शेड्यूल होना बहुत जरूरी होता है कि प्रेगनेंसी में लास्ट मंथ्स में तो हो ही हो, बट अभी तक ना इसके नहाने, सोने, खाने पीने, मेडिसिन लेने किसी का कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो हम लोग सब तो इसको समझाते ही है, बट आप लोग भी थोड़ी बुद्धि से देना, ताकि ये अपनी मेडिसिन के लिए और अपनी हेल्थ के लिए थोड़ी अलर्ट रहे, जो आगे सब सही से हो जाए। मेरे पे इतनी लंबी क्यों टिप्पणी हो रही है? एक मिनट का टाइम था ना। चलो जी, वैसे तो ब्लॉग को खत्म कर दिया जाना चाहिए था, पर अभी अंशु की जय हो, अंशु बचे हैं अभी। अंशु के बारे में हम सब थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। चलो जी मम्मी, सबसे पहले तो आप भी, 2 दिन में ब्लॉग खत्म नहीं होगा। मम्मी नीचे 10 रुपए लो जरा। अंशु की जितनी अच्छाई जैसी तो मुझे कोई बात ही नहीं नजर आती। यही उम्मीद थी। अच्छा, कुछ भी अच्छा ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि ना ये स्कूल जाने के लिए करता, ना ये पढ़ाई के लिए करता। कम मिला, ठीक है। और मतलब क्या है, बुराई है इसके अंदर, शायद अभी छोटा है, अभी घर में भी छोटा है, इसलिए शायद इसको समझ नहीं है, इसलिए बचपना दिमाग है। और बुराई ये है कि ये प्रेरणा को बहुत सताता है, पूरे फैमिली मेंबरों को इतना इरिटेट कर देता है कि हम घर छोड़ के भागने को तैयार हो जाते हैं। कभी कभी तो मुझे भी थोड़ा साड़ा लगा, अगर कोई रोता ना तो झोंक देता हूँ। और मतलब इतना इरिटेट कर देता है कि मतलब प्रेरणा तो कई बार आती 15 दिन के लिए और तीसरे दिन झोला उठा के उसे जाना पड़ता है कि भाई अंशू से इरिटेट हो गई हूँ। मतलब वो बंदे को किलसा देता है। तो शायद छोटा में भी बड़ा होगा, समय के साथ समझ आ जाएगी। बालक बुद्धि भी बैल बुद्धि है तुम्हारी। गाइस चलो, तो यही सब था जो अभी हम चैलेंज भी तो करेंगे मेरे चैनल पर। अभी डिसाइडेड नहीं है यूट्यूब चैनल पे हम क्या ब्लॉग पोस्ट करने वाले हैं, बट ब्लॉग अभी रात तक ही आएगा। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक और इंस्टा में से इनके बायो में भी लिंक है, हमारी स्टोरीज पे भी है, वहां से देख लेना। जीतूंगा तो मैं ही, डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग, जीतूंगा तो मैं ही, जीतूंगा तो मैं ये। तो गाइस चलो, यहीं पे अब होता है ब्लॉग का एंड, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बने रहे मेरे साथ आज तक पे। तो गाइस मेरा हाथ दिखेगा नहीं आप लोगों को। तो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बने रहे यही इसी चैनल पर, एक्सकशिश ब्लॉग। तो चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, आज के लिए इतनी खबरें काफी हैं, तो हम मिलते हैं आपसे अगली खबर में। शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना, बोलिए कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। एक तो गोलगप्पे चैलेंज में गाइस ये जीत गया, मेरे मुंह में छाला था, और इस वाले में जो मम्मी ने बताया आप लोगों को भी वैसा ही फील होता है, या आप लोगों की इमेज अलग, आप लोगों के मन में हमारी इमेज अलग है, वो आप लोग कमेंट्स करके बताना और ब्लॉग को बहुत ज्यादा शेयर करना। सो गाइस टाटा बाय बाय, टेक केयर, चलो। 100 सब्सक्राइबर होने वाले, जल्दी कर दो, अभी बंद नहीं हुआ। चलो बंद कर दे, अरे कर दे, अरे गोवा दबा।